आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का बहुत ही मज़ेदार और नए नाश्ते की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं रेसिपी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है 2 कप के करीब पानी और साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, तो आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ये नमक डाल दिया है। इसके साथ में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च को कट करके ऐड किया है। सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है वही है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स ले सकते हैं इसकी जगह पर। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ते, तो यहाँ पर मैंने करी पत्तों को भी कट करके लिया है। इसके बाद इसे हम मिला देंगे अच्छे से। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप सूजी, तो 2 कप पानी में 1 कप सूजी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही सूजी डालेंगे, यहाँ पर मैंने सारी सूजी डाल दी है, तो 1 ही कप डाल ली है। अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए कितनी जल्दी ये थिक भी हो गई है, और यहाँ पर जो हमारी सूजी है बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हमने आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल उस फॉर्म में आ गई है। तो इस टाइम पे सूजी को निकाल के किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है एक प्लेट में और इसे हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा सूजी का ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम करते हैं बाकी की तैयारियाँ, तो इसे रखते हैं साइड में। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप के करीब चने, और ये चने मैंने रात भर भिगो के रखे थे वही चने हैं ये। इस चने को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, तो यहाँ पर मैंने ये जार ले लिया है और इसमें डाल देती हूँ मैं। इसके साथ ही इन चनों में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, तो आधा चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला। साथ में आधा चम्मच डाल रही हूँ भुना जीरे का पाउडर, साथ में डाल लेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेंगे, तो थिक सा पेस्ट बनाना है तो पहले इसे हम ऐसे ही ग्राइंड करते हैं बिना पानी डाले। और यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके का मिक्सचर तैयार हुआ है। तो ये थोड़ा मिक्सचर थोड़ा ड्राई है, तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद ग्राइंड करेंगे इसे। और यहाँ पर इस मिक्सचर को मैंने पानी डाल के तैयार कर लिया है लेकिन अभी भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो 2 टेबलस्पून के करीब पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ, इसके अलावा पानी नहीं डालेंगे। तो मैं इसको एक बार हम इसे ऊपर नीचे अच्छे से करके मिला देंगे ताकि सारे चने इक्वली पिस जाएं। और यहाँ पर ये मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ 2 टेबलस्पून और इसे पीस लेते हैं। और यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, ना तो गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये देखिए इस तरीके का मिक्सचर चाहिए था हमें। साथ ही सूजी रखी थी वो थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसे हम एक बार अच्छे से गूंद लेंगे जैसे हम आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से। तो हाथ में बहुत ही हल्का सा तेल लगा लेती हूँ मैं पहले, जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से गूंद जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तेल लगा लिया है और इसे बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे। तो अभी भी ये थोड़ा गर्म है जिससे कि मुझे छूने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो गया, जिस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हो जा रहा है ये। तो ऐसा लग रहा है कि सूजी ना हो के ये आटा है। और अब निकालेंगे इसमें से लोई, तो बड़ी बड़ी लोइयां निकाल लेंगे। तो यहां पर मैंने ये एक लोई निकाल ली है, बाकी सारी लोइयां भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो अभी तक हमने इसमें तेल का यूज़ नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा हाथों पे लगाया था सूजी को क्लीन करने के लिए। तो ये 3 लोई बन गई हमारी। तो सभी लोइयां यहाँ पर लगभग तैयार हो गई हैं और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और यहाँ पर जो हमने लोई बनाई है उसे अब हमें बेल के तैयार करना है, तो चकले पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और साथ में बेलन पे भी। तो यहाँ पर मैंने इस पर भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से लेंगे 1 लोई और इसे बेल लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। और ये देखिए बहुत ही आराम से बेल जाता है। एक बार में ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी, तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने इस तरीके से बेल लिया इसे। इसके बाद मैंने ये कुकी कटर लिया है,
इस तरीके का आप कोई भी कटोरी ग्लास किसी से भी कट कर सकते हैं, और इसे आप करना है कट। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर लेती हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा है हम दोबारा से लोई बना के फिर से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसकी मैंने दोबारा से लोई बना दी है, और ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरीके की रखी है मैंने। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया है ये लेंगे और इसमें हम फिल करेंगे, तो हाफ में फिल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हाफ में इसे फिल कर लेंगे, तो आधा से एक चम्मच के करीब यहाँ पर ये मिक्सचर लग गया है मेरे को, और इसके बाद इसे कर देंगे फोल्ड। यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो साथ में चटनी भी लगा सकते हैं एक लेयर, जिससे कि और भी टेस्टी लगेगा, सेजवान चटनी या फिर धनिया की चटनी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो मैं सभी को इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ, और ये देखिए काफ़ी मोटा मैंने इसमें फिल किया है। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मिक्सचर आया है, और इस तरीके से हम कर देंगे, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं है। तो एक तैयार हो गया, यहाँ पर मैं दूसरा कर लेती हूँ। और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अगर हमें इसमें मिक्सचर कम लगता है तो फिर हम अलग से इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देखिए ऐसे। और इसे फिर रख देंगे। इसी तरीके से जितनी भी लोइयां मैंने बना रखी है बिल्कुल ऐसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो मैं बहुत सारे जो हमें बनाने हैं सभी लोइयों से मैं तैयार कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पर मैंने सूजी का ये नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो जितनी भी सूजी मैंने तैयार की थी और जितना भी मैंने ये चने का मसाला बनाया था, सभी का मैंने इस तरीके से ये रोल टाइप के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे करेंगे स्टीम। तो यहाँ पर इसे मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, स्टीम कर रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके के मैंने एक जाली ले ली, अगर आपके पास स्टीमर है तो वो ले सकते हैं। थोड़ा सा इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, कोई थाली है जाली वाली तो वो ले सकते हैं। तो मेरे पास तो फिलहाल अभी यही है, तो मैं यही ले रही हूँ। और इस तरीके से इसे हम सेट कर देंगे। चाहे तो पहले मैं जाली को डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो यहाँ पर पानी को मैंने बॉयल कर लिया है और एक स्टैंड लगा दिया है, ताकि जो जाली है उसमें पानी ना आए ऊपर तक। और इस तरीके से इसे रख देते हैं, और ये जो हमने बना रखे हैं जितने भी आ जाएंगे इसको इसमें डाल देंगे, और 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर एक बार में इतने ही कढ़ाई में आ पाए, तो मैं इसे अब ढक देती हूँ और 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेती हूँ। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। और हमारा ये नाश्ता है बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। तो 10 से 12 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाता है। तो अब निकाल लेते हैं, तो प्लेट को ही हम निकाल लेते हैं सीधा। तो यहाँ पर मैंने ये जाली वाली प्लेट निकाल ली है, और इसको मैं कवर कर दे रही हूँ कढ़ाई को, ताकि जल्दी ठंडी ना हो। और इसके बाद जो हमने ये नाश्ता बनाया है वो प्लेट में निकाल लेती हूँ। तेल लगाने की वजह से जाली में कहीं भी हमारा नाश्ता चिपका नहीं है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टीम भी हुआ है ये। और इसमें जो हमने चने डाले थे ग्राइंड करके, वो भी अच्छे से पक गए हैं इसके अंदर। तो जो बाकी बचे हुए हैं मैं उसे भी स्टीम कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा स्टीम किया हुआ नाश्ता, और यहाँ पर बिना स्टीम वाला नाश्ता है हमारा ये। यहाँ पर जो चने हैं उसका भी कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे हम बॉयल करते हैं चने वैसा कलर इनका हो गया है। और यहाँ पर ये कच्चे हैं अभी, तो अंदर तक ये अच्छे से पक गए हैं। और इसे इसी तरीके से बनाइए, और केचप चटनी या फिर शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। ये देखिए, तो बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये नाश्ता, और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं।